तो गाइस मैं अभी किचन में आ गई थी, तो सुबह के 6 बजे से मैं आज लगी हूँ। आप बोलोगे रिंकी पता नहीं सुबह से क्या करने लग गई। तो गाइस पहले मैं किचन में ही आई थी सब में पहले, क्योंकि रात मैंने बर्तन क्लीन नहीं किए थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन ही क्लीन करके तब मैं जाऊँगी। तो मैं अभी ब्रश करने गई थी। तो गाइस देखिए मैं अपने कमरे में आ गई थी अब, तो फिर तो मैंने सोचा क्लीन कर लेती हूँ अपना कमरा। और मैं सारा ये क्लीन करके देखिए कमरा इतना मतलब लगता है कि गांव से आने के बाद कि कितना गंदा है, तो आप देख सकते हैं। फटाफट अपना सामान सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज पूरे घर का काम, आज मुझे शाम तक सोचती हूँ पूरा घर का काम मुझे पूरा सेट करना था। तो मैं देख रही थी छोटी छोटी चीज़ें करके कि क्या कहाँ पर क्या गलत है क्या सही है, तो मैं सबको सेट कर रही थी। और हाँ देखिए वाली डॉल मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली तो। और हाँ देखिए गाइस ये मेरा पोर्ट ना किसी बच्चों ने ख़राब कर दिया था, तो इसमें भर भर के लगा रही थी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी मेरा जो था, और हाँ ये करवा चौथ की थाली थी तो मैं आपको भी दिखा रही थी। तो देखिए मेरा ये वाला कमरा क्लीन हो गया है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और हाँ क्लीन करके ना बड़ा अच्छा लगता है, मन को ना बोझ उतर जाता है। तो मैं दूसरे रूम में आ गई थी, फटाफट इसकी भी सारी क्लीनिंग कर लूँगी। तो मैंने कपड़ा भिगा के ना, तो थोड़ा थोड़ा ये तकिया भीग गया था पानी का ना, तो मैंने ऐसे ही इस पर लगा दिया था। तो ये जो रजाई है ना पूरे बेड के, मैंने इस पर रख रखी है, और मैं थोड़ा सा झाड़ दूंगी इसको। तो और हाँ ये वाला जो मेरा फ्लावर पॉट, अब मैं इसको क्या बोलूँ मुझे पता नहीं क्या बोलते, जिस पे तीन तीन बर्ड बनी हुई होती हैं। तो देखिए ये वाला जो मेरा टेडी बियर है ना, ये मैंने माए के बर्थडे को इसके मौसी ने दिया था, वो है ये। तो देखिए मेरा ये वाला कमरा भी क्लीन हो गया है। तो अब मैं किचन में जाती हूँ। किचन में तो मैंने ना आज डायरेक्ट खाना ही बनाया था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, तो हेलो कैसे हो आप गाइस, सब? गुड मॉर्निंग, आशा कैसे हो करती आप हूँ आप बहुत सब? अच्छे आशा करती हूँ आप होंगे। बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस गाइस चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर रिंकी लेते हैं। फैमिली ब्लॉग में तो गाइस आपका वैसे मैंने अपना वीडियो स्वागत सुबह है। के आज तो आप भी 6 बजे सब स्टार्ट खाने किया पे आ है। जाइए। तो तो सुबह गाइस से आज मैंने मैंने पहले ना खाने सुबह में उठी, मैं किचन में आई सॉरी थी, जो फिर मैंने जो अपना गाइस ब्रश करने जो गई, खाने बनाने की जो तो मैंने आज मैंने डायरेक्ट रिकॉर्ड पहले किया था, खाना प्लीज़ वो बनाया मेरे है, से ना डिलीट और हो अभी गई, हाँ तो गाइस इसके लिए मेरे कपड़े प्लीज़ भी पड़े सॉरी। हैं। तो चलिए गाइस देखिए आप भी खाना खा सबका खाना हो गया, लीजिए। जितने गेस्ट लोग घर में तो थे आज सबका मैंने खाना खाना हो गया बनाया था। था तो मानसी आई दाल थी चावल ट्यूशन से, और मानसी मेथी बोली की, मम्मी जो मुझे वो खाना होती दे ना दो। हम मैंने गांव कहा की ठीक है भाषा में ना मानसी उसको तुम भुजी खा लो। बोलते हैं, तो और मैं मानसी को देने जो जा मतलब रही यहाँ पे थी, देहरादून में उसको तो अब साग मेरा बोलते हाल हैं। आप देख ही सकते हो कैसा हाल हो तो रहा है मेरा। आइए ना आप मुँह पे खा बिंदी ना लीजिए। मांगे सिंदूर, और जो चल दिए हम बगैर मानसी को खाना दुपट्टे दे के दी, मैंने मानसी पागल बोली बन मम्मी के। मुझे भूख तो लगी मानसी है। बैठी थी बेड पे, हाय बोली, तो हेलो मानसी गाइस, हाय बोल गाइस, रही है आपको हाय गुड गाइस। मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग सर नहीं है, गुड मारती बहुत है आफ्टरनून ये। बेटा। और हाँ जो मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे आने का कारण है, मेरी मानसी ने मुझे तो सिखाया गाइस है, आज मैंने जो क्योंकि खाना इसको ना बनाया था वीडियो उसकी बनाने का रिकॉर्ड बहुत नहीं किया शौक है कि था, मम्मी और मेरी सब बनाते हैं, थोड़ा आप सी भी ना बनाया पेज जो करो। डिलीट हो गई मैंने कि थी चलो तो उसके लिए तो मैं मैं भी गाइस बनाने आई एम लग गई। जैसा सॉरी। देखिए गाइस मज़े आता है, मैं कोशिश तो करती अभी मैं हूँ कपड़े कि धोने जा आपके रही साथ हूँ, अच्छी से अच्छी पर वीडियो थोड़ा शेयर पहले करूँ, कपड़े धोने से पहले और थोड़ा जितना किचन मुझे मेरी आता है ख्याल प्लीज़ वहाँ रखिए। पे साथ मैं शेयर आपको करती दिखाती हूँ, हूँ। अभी मेरे जो तो देखिए दोपहर के मैं उसको बर्तन खाना है देख के आ वो गई मेरे थी, हैं। तो मैंने अभी सोचा चलो ये इतने देखिए खाती है कितने सारे बर्तन तो पड़े मैं हैं, किचन में जो ये बर्तन देख पड़े सकते हैं हैं आप मैं मेरे इनको कितने साफ कर बर्तन हैं देती अभी। हूँ। तो मुझे इनको क्लीन करना देखिए है, अभी मेरे सारे फिर बर्तन इनको ये क्लीन वाले करके पड़े फिर थे, मैं तो आपसे मैंने सोचा पूरे बर्तन साफ करके, आपसे और मैं हाँ थोड़ी मैंने देर में सोचा मिलती मानसी हूँ, को भी जो तब बर्तन तक थे के ना, लिए। अब देखिए अगर किचन में कोई बर्तन पड़ रह जाए तो बड़े बुरे लगते हैं मुझे, कपड़े और बर्तन बहुत दिल पे भारी वजन होता है मेरे। तो गैस अभी जो ये दो तीन बर्तन रखे हैं कुकर दोनों, मैंने इसलिए खाली नहीं किए क्योंकि अभी मानसी के पापा भी आएंगे, मैंने सोचा फिर अलग अलग गर्म करूँगी। तो गैस फिर मैं कपड़े धोने आ गई थी, मैंने सोचा फटाफट आज काम कर लेती हूँ। और हाँ गैस मैंने 6-7 बार आज मशीन में कपड़े डाले तब जाके धुले, और थोड़ी सी हेल्प ना मेरी जो दीदी थी उन्होंने कर दी थी, मानसी ने भी कर दी थी वैसे। तो मैं फटाफट कपड़े ड्राई धुलती जाऊंगी, और ड्रायर भी साथ साथ में कर रही हूँ। तो अभी तो मेरी नंद था के ऊपर ले गई थी कपड़े, तो ये देखिए मानसी बार बार मेरे कैमरे के सामने टॉमी को ले ले नहीं रोमी को ले ले के आ रही है। तो देखिए इसके पापा भी आ गए थे, और बट ऐसे नहीं आए थे जो उनके लेबर ना घर जा रही होगी तो उनका जो हिसाब वगैरह होता है ना तो वो निकाल लेते। मैंने कहा आप नीचे मत रहो ऊपर जाओ सब। तो देखिए मैंने चुन्नी ओढ़ ली थी, मैंने सोचा मानसी के फूफा जी तो नहीं आ गए हैं, तो फिर मैं कपड़े तो मैंने सुखा दिए थे उन्होंने मेरी दीदी ने, मैं बाल उल बना लिए थे, फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी। तो गाइस मैं हम लोग कहीं घूमने चले गए थे शायद,
हाँ घूमने गए थे तब के तब की तब का था ये। मैं सोची चलो सब मैंने बस शाम को खाना नहीं बनाया था, बनाया तो थोड़ा सा क्योंकि दोपहर में ना जिन्होंने भी खाया था वो तो शाम को आए थे, और हाँ हम लोग कहीं गए थे घूमने के लिए तो हमने ना वहीं पे खा लिया था। तो खा लेते क्या मतलब जो चावल की रोटी होती है ना और गोभी की सब्जी, हम इसकी ताई के घर में गए थे हम सब, उन्होंने हमें ना खाना वाना खिलाया। तो मैंने उनसे जाके बोला कि मुझे ना भूख लगी है, तो मैंने खाना खा लिया उनके घर में जाके। हमने मैंने क्या सब ने खाया था थोड़ा थोड़ा करके, और आपको पता ही इन दिनों चावल की रोटी हमारे यहाँ कितना फेमस है। लोग तो मक्का की और बाजरे की रोटी पसंद करते हैं पर हम इतना नहीं करते हैं क्योंकि हमने देसियों को ना चावल की रोटी पसंद है। मैंने सोचा रात के जो बर्तन हैं वो मैं लगा के रख दूँगी पूरा किचन में, क्योंकि सुबह को ना ठंडा पानी होता है तो तभी इसलिए मैं उसमें नहीं होती हूँ। तो पीछे मुड़ के देख रही थी मैं, मेरे की माँ ही आई थी अभी, मुझे लगा कि मेरे पीछे माँ ही आई थी अभी ऐसे ना। तो मैंने फटाफट अपना काम कर रही थी मैं ये वाला, तो फिर इतना फिर सुबह को ना फिकर, क्योंकि इसके फूफा को भी ना सुबह ही जाना पड़ता है ना। तो अब देखिए तो ठंड है ऊपर से, आपको पता ही तबीयत ख़राब रहती है और थायराइड में आपको पता ही होगा कि कितना हाथों पैरों में दर्द रहता है। तो हाँ हम औरतों के लिए होता है ये। तो अभी मैं ये बर्तन ना बहुत सारे थे फिर भी तो हो गए थे मेरे, देखिए अब मैंने पूरा क्लीन कर दिया था ये पूरा। इसमें जो डेगचा है ना तो पानी गर्म कर लेती हूँ मैं पीने के लिए, और मेरा पूरा हो गया था। शाम को भी खाना इतना बच गया था, कोई खा ही नहीं रहा था। चलो पर हम ना वेस्ट नहीं करती हूँ मैं खाना, हम खा लेते हैं, घी लगा लेती हूँ रोटी पे। तो ये नहीं कि हाँ मैं किसी को दे देती हूँ, गाय को, और हाँ जा मतलब गाय को तो मैं देती हूँ। हाँ तो फिर गाइस हम घूमने भी गए थे, फिर देखिए शाम की पूजा भी कर ली थी मानसी ने, मैंने नहीं की थी। तो देखिए आ जाइए आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे बाबा जी के, जय श्री राम जी के, बजरंग बली माता सीता के। तो देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, कितना क्यूट, मुझे अपना मंदिर बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस अब मैं जाती सोने। हेलो गाइस, तो गाइस देख सकते हैं आप रात में, सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूं क्योंकि दिन भर ना ऐसी लग रही है, आपसे थोड़ी सी मैंने बात नहीं की। तो आप देख सकते हैं मेरी आंखें कैसी हो रही हैं कि जैसे कि ना कितने दिन से नहीं सोई, कितनी थकी थकी आंख हो रही है मुझे ना, कहीं जाके ना नींद नहीं आती बिल्कुल भी। और हाँ अपने घर की आदत पड़ गई, बस अपने घर में आके ना सुख नहीं चैन की नींद आती है, क्योंकि आपको पता है तो अभी आप देखोगे तो मेरे चेहरे पे आप देख सकते हो, मेरे चेहरे पे ना इतना मतलब जो डस्ट नहीं होता वो सारा जम गया था। बड़ी परेशान हो गई थी मैं, मैंने गर्म पानी से धुला, मॉइस्चराइज वगैरह लगाया, तो गाइस देखिए पूरा चेहरा ना खिंच गया था, अब जाके ठीक हुआ है। अब जा रात के, और अभी देखिए रात के सवा, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए रात के 9:15 बज रहे हैं देख सकते हैं आप। आज तो वैसे जल्दी नहीं पड़ गया था काम, थोड़ा सा थक गई थी मैं, देखिए बाल भी नहीं बना रखे। तो अभी मैं कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छी अच्छी गाइस इस वीडियो का यहीं पे एंड कर सकती हूं। तो अगली मैं कोशिश करूंगी आपसे अगली वीडियो में अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। तो अगर प्लीज़ कोई वर्ड अगर गलत कहा जाता है तो मेरे से मुझे प्लीज़ उसके लिए इग्नोर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।